2019 ख़त्म होने को है और 2020 का आगाज होने को है। और आपको बता दें, नए साल का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। तो भाई, जब साल का अंत हो रहा है तो ये भी पता कर ले कि इस साल भोजपुरिया जगत में किसने अपने नाम की आंधी चलाई है। पवन खेसारी निरहुआ, रितेश प्रदीप पांडे चिंटू, या फिर अरविंद अकेला कल्लू। लेकिन कुछ नए नामों ने भी चौंकाया है, जैसे समर सिंह। भले ही नया नाम नहीं है, लेकिन 2019 कई मायनों में उनके लिए खास रहा। फिर उनके कई एल्बम आए जो धड़ाधड़ इतने व्यूज हासिल किए जो कि कभी किसी ने सोचा नहीं होगा। हाँ, प्रमोद प्रेमी जैसे कई ऐसे कलाकार भी रहे जिनके लिए ये साल कुछ खास नहीं रहा। साथ ही साथ सिंगर एक्टर गुंजन सिंह के लिए भी ये साल बहुत ही बेहतरीन रहा। और आपको बता दें, ये साल न ही अरविंद अकेला कल्लू के लिए उतना कुछ खास रहा और ना ही फिल्मों के मामले में रितेश पांडे के लिए। लेकिन साल के जाते जाते ही रितेश पांडे का हेलो कौन गाना हिट क्या हुआ, फिर से वो बात कर ले प्रदीप पांडे चिंटू की, तो ये साल भी प्रदीप पांडे चिंटू के लिए मिला जुला रहा। बात कर ले उनकी कुछ इक्का दुक्का फिल्मों की, तो भाई उन्हें छोड़ दे तो ये साल उनके लिए भी कुछ खास नहीं है। पर हाँ, आप ये कह सकते हैं ये साल उनके लिए मिला जुला रहा, क्योंकि जहाँ उनकी काफ़ी दिनों से डिले हो रही फिल्म माई रे माई हम कहाऊ लड़की चाहिए रिलीज़ हुई, तो वहीं उसने कुछ खास अच्छा बिजनेस नहीं किया बॉक्स ऑफिस पर। लेकिन विवाह ने सभी का दिल जीत लिया। विवाह फिल्म रिलीज भी हुई, दर्शकों को पसंद भी आई, यानी ये आप कह सकते हैं न हिट न फ्लॉप। हाँ, इनके लिए ये साल इसलिए भी याद किया जाएगा कि इनकी और खेसारी की दुश्मनी ने एक स्टेप हेड और किया है। खैर, अब आगे बढ़ते हैं दिनेश लाल यादव निरहुआ की तरफ। निरहुआ चरण लंदन से साल की शुरुआत होती है और ख़त्म होती है लल्लू की लैला पर। इन सब के बीच न जाने निरहुआ की कितनी फिल्में अनाउंस हुई और कितनी डब्बा बंद हुई। लेकिन यहाँ हम आपको कह दें तो शेरे हिंदुस्तान को अगर छोड़ दिया जाए तो निरहुआ के लिए ये साल बड़ा ही निराशाजनक रहा। निरहुआ की एकमात्र फिल्म हिट हुई और दर्शकों को पसंद भी आई, लेकिन उसके बाद निरहुआ के लिए ये साल बिल्कुल खास नहीं रहा। फिर भी आप यहाँ ये कह सकते हैं कि निरहुआ का ये साल इस मायने में खास रहा कि उन्होंने अखिलेश यादव के खिलाफ चुनाव लड़ा, चुनाव हार गए, लेकिन बज उन्होंने इतनी क्रिएट कर दी कि शायद उनकी इतनी बज क्रिएट तो कोई फिल्म भी न करे। अब बात कर लेते हैं खेसारी लाल यादव की। तो भाई, खेसारी लाल यादव का ये साल बहुत ही बेहतरीन रहा। जी हाँ, खेसारी लाल यादव बिग बॉस में क्या गए, अपनी टीआरपी बढ़ा ली उन्होंने। फिर तो कई ऐसे शोज़ में गए जैसे कि द कपिल शर्मा शोज़ में, फिर खेसारी लाल यादव बिग बॉस के शो में गए। उसके पहले खेसारी लाल यादव की दो बड़ी फिल्में रिलीज हुई और दोनों ने कमाल का बिजनेस किया। और तो और, भोजपुरिया दर्शकों ने उन्हें ये खिताब भी दे दिया कि अगर खेसारी की फिल्म है तो आप फैमिली के साथ बैठकर देख सकते हैं। जी हाँ, ये वही खेसारी लाल यादव हैं जिनकी फिल्मों के लिए सब ये कहा करते थे कि इन्हें अश्लीलता का तमगा दिया जाना चाहिए। लेकिन खैर, यहाँ पर ये तमगा तोड़ते हुए इस साल खेसारी ने संघर्ष और कूली नंबर वन जैसी दो बेहतरीन फिल्में की और इसमें सामाजिक मुद्दे ऐसे उठाए, भाई मानना पड़ेगा। दोनों फिल्में चली भी और खेसारी को इसका फायदा भी हुआ। और तो और, खेसारी का समय समय पर आता रहा एल्बम जिसने इतने बज क्रिएट किए कि भाई यूट्यूब में इंडिया में ट्रेंडिंग में रहे, कभी पहले पायदान पे, कभी दूसरे पायदान पे, कभी तीसरे पायदान में। हाल ही में खेसारी के दो ऐसे एल्बम रिलीज हुए हैं जिसने बैक टू बैक अपनी ट्रेंडिंग यूट्यूब पर जारी रखी है। और अब इस साल के लिए हम ये भी कह सकते हैं खेसारी की लोकप्रियता इतनी ज़्यादा बढ़ गई थी कि भाई बिग बॉस को भी इनकी लोकप्रियता से इतनी टेंशन हो गई
कि इन्हें घर से निकालने के लिए बिग बॉस को भी चाल चलनी पड़ी। भाई अच्छी बात है, हमारा भोजपुरिया बाका छोरा इतना कमाल का है ही कि इसके लिए बिग बॉस ही क्या, बिग बॉस जैसे कई प्लेटफॉर्म कम पड़ जाएंगे। फिर खेसारी ने कई ऐसे स्टेज शो किए जिसके लिए वो सुर्खियों में रहे। खेसारी के लिए 2019 विवादों से भरा भी रहा। कई ऐसे विवाद खेसारी लाल यादव के सामने आए कि जब उन्हें आकर मीडिया के सामने सफाई देनी पड़ी, लेकिन इन सब के बावजूद खेसारी की पॉपुलैरिटी में बिल्कुल कमी नहीं आई। अब बात कर लेते हैं पवन सिंह की। भाई पवन सिंह की इस बार बैक टू बैक कई फिल्में रिलीज हुई, फिर वो क्रैक फाइटर हो, मैंने उनको सजन चुन लिया हो, शेर सिंह हो, जय हिंद हो, जैसी कई ऐसी फिल्में थी जिसने बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचा दिया। तहलका तो मचाया ही मचाया, साथ ही साथ ऐसे कीर्तिमान स्थापित किए, कई ऐसे कीर्तिमान स्थापित हुए कि कई भोजपुरिया स्टार्स को इसे तोड़ पाना नामुमकिन ही होगा। अब बात तो भाई आप तो सभी जानते हैं पवन सिंह के एल्बम की डिमांड कितनी होती है। पवन सिंह का हर गाना भाई चार्ट बस्टर पे होता है, और तो और पवन सिंह के कई ऐसे गाने थे जो इस बार के पार्टी नाइट में बजेंगे। लेकिन इस बार इन सब से ज़्यादा अगर पवन सिंह ने किसी चीज़ के लिए लाइमलाइट बटोरी तो अक्षरा सिंह से उनका विवाद था। जी हाँ, अक्षरा सिंह से हुए विवाद में तो भाई पवन सिंह की धज्जियाँ उखेड़ दी। लेकिन ये पवन सिंह थे कि उन्होंने कुछ नहीं बोला, चुप रहे चुप रहे चुप रहे और अंत तक चुप रहे, कुछ नहीं कहा, कुछ नहीं बोला, ना ही सफाई दी, बस शांत रहे, बस शांत रहे। और उन्होंने ये कहा कि जो जैसा करेगा वैसा भरेगा। अक्षरा सिंह ने पवन सिंह की पोल पट्टी मीडिया के सामने खोल दी, लेकिन पवन सिंह ने इस पर भी कुछ नहीं कहा। फिर जब अक्षरा को लगा कि पवन इन सब से उनको कोई जवाब नहीं देंगे, तो उन्होंने अपने गाने का सहारा लिया जिसमें उनका हाले दिल बयां हो रहा था। लेकिन भाई ये पवन सिंह थे कि उन्होंने यहाँ पर ईंट का जवाब पत्थर से दिया, बदनाम कर दोगी। कई ऐसे गाने दर्शकों के बीच आए और रातों रात लोकप्रिय हो गए। सभी समझ गए कि ये पवन सिंह का भाई जवाब है जो कि इल्जाम अक्षरा सिंह ने उन पर लगाया है। अब तो पवन सिंह का जो भी गाना आता है लोग यही कहते हैं, उसके माध्यम से पवन सिंह अक्षरा सिंह को करारा जवाब दे रहे हैं। भाई इतने दिन की जो खटास है उसे इस माध्यम से मिटा रहे हैं पवन सिंह। साल के अंत होते होते पवन सिंह पहली बार पहुंचे द कपिल शर्मा शो पर। जी हाँ, ज़्यादातर मीडिया से दूर रहने वाले पवन सिंह यहाँ खुलकर एंटरटेन करते नज़र आए सबको और एंटरटेन होते नज़र आए। तो आपको हमारी ये रिपोर्ट कैसी लगी? आपको क्या लगता है कि इस पूरे साल का बेताज बादशाह कौन है, पवन, खेसारी या निरहुआ? आप ये सोचिए, अगर आप ये निरहुआ के फ़ैन हैं तो ये साल निरहुआ का है, अगर आप पवन के फ़ैन हैं तो आपके लिए ये साल पवन का है, अगर आप खेसारी के फ़ैन हैं तो आपके लिए खेसारी का है। लेकिन 2020 आने वाला सभी के लिए साल अच्छा हो, ऐसी हम कामना करते हैं। भोजपुरी जगत की हॉट और मसालेदार गॉसिप के लिए हमें सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए।